एक बार फिर से जो है आपके माध्यम से आपको, सभी वैश्य भाइयों को, कानपुर वासियों को और देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। नीरज, आपको नहीं लगता है कि हम पूरी प्रक्रिया में बहुत मूर्ख बन रहे हैं और बहुत छोटी चीजों के लिए प्रयासरत हैं? जी, आप क्या क्या महसूस करते हैं? आप एक वकील हैं। छोटी चीज क्या है कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाए। वह समाज का सीन ये हो गया खेल कि व्यापार जैसे हाथ से गया है, क्योंकि धनियों का प्रशासनिक पावर बिल्कुल कम था, ध्यान नहीं देते थे। बच्चा पैदा हुआ, लोग पकड़ो और तराजू पकड़ो, बैठ जाओ दुकानों पे। धनियों को ये बताया गया, धनियों के बच्चों को बताया गया, उधर एजुकेशन दूरी हो गया। और साथ में आज की हालात ये आ गया कि व्यापार की भी दूरी बना लिया, क्योंकि तो जो दूसरे उपवर्ग थे उन्होंने व्यापार पकड़ लिया बनियों का। अब बचा हमारे पास जमींदारी भी नहीं रह गई, खेत हमारे पास बचे हों, जो छोटा सा दुकान था ये था उस पर भरोसा रख के, अब उससे भी हम किनारे आ गए हैं। तो हमें मजबूरी में वैश्य समाज को बहुत निम्न स्तर में काम करना पड़ रहा है। 60% जहाँ तक मेरा अनुमान है जो आज भी ठेले लगाने में मजबूर है वैश्य समाज, तो स्तर अलग हो गया। और वहां पर हम नहीं, यूनिवर्सल लेकिन बैंक को आपको देख, नहीं लग रहा है कि हम एक गलत इकोसिस्टम में जी रहे हैं? देखो, बेसिकली कोई भी वाणिज्य है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है, राइट? लेकिन उसमें हम एक क्वालिटी ऐड करें, जैसे मान लो अराउंड द हाँ ठेला भी देयर कुड बी वन इकोसिस्टम, राइट, जिसमें कि साउंड सिस्टम लगा हुआ है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है, एंड हाथ ठेले के पास बैठ के लोग बाग जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ फील यदि ले पाए तो दे वुड लाइक टू पे, इफ नॉट इक्वल एटलीस्ट 30-75% ऑफ द वट एवर दे आर पेइंग इन ए बिग होटल, बिकॉज हर तरीके का अलग अलग एम्बियंस जो है ना प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन वो इकोसिस्टम आपको पैदा करने के लिए व्यवस्था ही नहीं दी गई है। मतलब यदि मैं हमेशा घुमा फिरा के देखता हूं तो मुझे लगता है कि हम मूर्ख बनाए गए हैं और मूर्ख बनाए गए हैं इन नेताओं के द्वारा, क्योंकि आप अभी भी गुलाम हैं। आप ये बताइए, बिल्कुल आप अंग्रेजों ने जो भी नियम कानून बनाए थे वो समृद्ध भारत को लूटने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे कि नहीं बनाए थे? जी हाँ, शोषित करने के लिए बनाया था और वही अब भी जेल रहे हैं। नहीं तो लेकिन वो क्यों झेल रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। नंबर टू, जो प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर आज थोपी हुई है, उसी प्रशासनिक व्यवस्था के चलते आपके फ्रीडम फाइटर्स की बिना किसी बड़ी गलती के भी उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता था और सिस्टम की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जनरल डायर जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड किया था, उनको जो है उनका ट्रायल हुआ था, लेकिन नियम कानून में चूंकि व्यवस्था का कोई उत्तरदायित्व ही नहीं था, लिहाजा वो बरी हुए, राइट? क्यों? क्योंकि नियम के द्वारा प्रोटेक्टेड थे। आज भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था संविधान के, आप वकील हैं चूंकि और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, संविधान में तो चार आर्टिकल हैं, 109, 110, 111, 112, राइट, और सीआरपीसी में एक सेक्शन है 197। तो 197 क्या कहता है कि कोई भी शासकीय सेवक के विरुद्ध जो है कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती है, उसे जो है संज्ञान लेने के लिए सरकार के सेंक्शन की जरूरत है। आज आप देखिए ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त, सभी में जो है ना हजारों केस पड़े हुए हैं, और चूंकि ये सभी जो है दुष्ट भ्रष्टाचारी अधिकारी, ये इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं, तो ये दुष्टता पूर्वक 197 सीआरपीसी का सैंक्शन ही नहीं देते हैं। वर्षों बीत गए हैं, ये सैंक्शन नहीं दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर ये सैंक्शन ना दें तो इट शुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड सैंक्शन, लेकिन व्यवस्था डरी होती है, वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी फायदा नहीं उठाती है। नहीं, एक्चुअली एक समस्या और है ना, एक तो एजुकेशन की कमी, नॉलेज नहीं है। और अगर नॉलेज है तो इकोनॉमिक सिस्टम इतना है ना कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता कि हम इंसाफ के लिए दौड़ सकें। नहीं तो आप ये बताइए, जो अभी हमने जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत
हर किसी को चंद्रगुप्त बनने का मौका दिया है और कोई दूसरी सब चीजें सोचे, जैसे क्राइम फ्री भारत मिशन ने 21 ध्येय बनाए हुए हैं और जिसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और वो कह रहा है कि आगे चल के भारत में अपराध करना एक विकल्प नहीं होगा। इतना पावरफुल कि आपके बिना थाने जाए गांव के गवाड़ी जिसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है उसकी भी FIR दर्ज हो जाएगी, वो भी बिना थाने जाए, और यदि कोई गलत FIR दर्ज करेगा तो वो जेल में सड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो है, क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सबसे ऑर्डिनरी, जो कोई बहुत बुद्धिमान पुलिस ऑफिसर ना हो, उसको भी अकाट साक्ष्यों को एकत्रित करके और आगे चल के उन साक्ष्यों को भी एकत्रित किया जा सकेगा जो आज जो है रडार में ही नहीं है, और उसमें कैप्चरिंग कुड बी डन थ्रू द क्राउड सोर्सिंग। तो एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो जो सेकंड सर्टेनिटी में 15 दिन के अंदर सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर के द्वारा अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा, और अधिकतम 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए सजा होगी, और चौथी सर्टेनिटी के तहत जो है डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री जानकारी होगी, और इसके पहले वो अपराध घटित करे शुरू में 30-40% में, और 4-5 साल में जैसे ही डाटा एक्युमुलेशन बढ़ेगा, हम 99.9% केसेस में स्मार्ट इंटरवेंशन के माध्यम से अपराध को रोक पाएंगे। लिहाजा भारत में 5 साल बाद अपराध करना एक ऑप्शन नहीं रहेगा। और फिर उसमें पांचवी सर्टेनिटी है कि जब साहब आप सब कुछ मालूम है तो आप अपराधी को अपराधी क्यों रहना देना चाहते हैं, और उसे जो है आप वो करिए, रिहैबिलिटेट करिए, पुनर्वासित करिए, और एक अपराधी भी एक राष्ट्र के लिए उपयोगी रिसोर्स में कन्वर्ट हो, राइट। ऐसे ही जो है ना साइबर क्राइम फ्री भारत होगा। आप बताइए, इतने टैक्सेशन के ऊपर टैक्सेशन लादे जा रहे हैं, ये टैक्सेशन के टैक्स फ्री भारत इज पॉसिबल? अकेला क्राइम फ्री भारत की जो 5 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उससे इतना पैसा जनरेट होगा कि हम भारत को टैक्स फ्री कर सकते हैं, और आज जो हमको रिसोर्स मिल रहा है इसका 10 गुना ज्यादा रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और बाकी चीजों के लिए मिल सकता है, और 10 गुना ज्यादा पैसा जो है वो भारत को टैक्स फ्री करके यदि हम जो है पेपर करेंसी मुक्त कर देते हैं और ट्रांजेक्शन फीस के बतौर 2% यदि हम फीस लेते हैं तो 20 times मोर रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। तो 10% विल कम फ्रॉम द पेपर करेंसी मुक्त भारत एंड 10% विल कम फ्रॉम, मतलब 10 times विल कम फ्रॉम द क्राइम फ्री भारत। 20 times ज्यादा रिसोर्सेस होंगे, हम कहां से कहां पहुंचेंगे। और एक बात तो हमें ये माननी ही पड़ेगी कि आज जो आपके मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उन्हें आपके मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? दिस इज माय क्वेश्चन। कैन यू जस्टिफाई के उनमें इतनी काबिलियत है क्या, क्या इतनी सोच है क्या, क्या वो देशभक्त है क्या, क्या ये राजनेता जो है अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हुए जो इनको ज्यादा पैसा दे दे रहा है उसको टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं जो आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, दल बदलुओं को टिकट दे रहे हैं जो दूसरी पार्टी से अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी में आ रहे हैं, अपने नेताओं को जो है कि बच्चों को टिकट दे रहे हैं चाटुकारिता के तहत, और जाति और धर्म के आधार पर भी जो टिकट बांट रहे हैं वो भी अयोग्य लोगों को बांट रहे हैं, क्योंकि ये खुद अयोग्य हैं इसलिए इन्हें योग्य व्यक्तियों से डर लगता है कि यदि योग्य व्यक्ति आ जाएंगे तो इनके लिए चुनौती बन जाएंगे। इस बात से आप इनकार कर सकते हैं क्या? इनकार नहीं करते, ऐसी समस्या भी तो है। नहीं समस्या, अच्छा चलिए, अब आपने मान लिया कि समस्या है और आज जो हमारे राजनेता हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। देखिए, अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है 75वें वर्ष खत्म होने पर, ठीक है ना। आप ये बताइए, इन राजनेताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव में बताया कि ये आजादी का अमृत महोत्सव नहीं है, ये गुलामी का अमृत महोत्सव है, क्योंकि आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोपे हुए हैं, गुलामों की ही व्यवस्था थोपी हुई है,
आज एक पटवारी जो है ना गलत नापतौल करता है, गलत निर्णय लेता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ना है, आप जो है ना लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, आपको उस गलत निर्णय से निपटने के लिए 30 और 40 साल लग जाएंगे और उस पटवारी का कुछ नहीं बिगड़ता है, ये बादशाही और निरंकुश व्यवस्था नहीं है क्या? जी हाँ, बताइए मुझे, है कि नहीं है? ऐसा रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि जो है कोई आपको जैसे सब छोटी व्यवस्था राशन आज की डेट पे कोटेदार सबसे छोटी व्यवस्था है, कोटेदार हरदम मनमानी करता है, यूनिट नहीं, कम लेकिन देता है, वो सैलरी भी कम मनमानी देता है। क्यों नहीं, वो मनमानी क्यों हो रही है कि अंग्रेजों ने वो मनमानी व्यवस्था बनाई थी और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उसे हमारे ऊपर थोपा हुआ है? इतने देखिए, आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है, ढेर सारी कमेटी और कमीशन बनने के बावजूद भी इन दुष्ट राजनेताओं को वो वही जो है अंग्रेजों की जमाने की बर्बर पुलिस ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों लगती है? तो गलत लोगों को टिकट देंगे, अपने बच्चों को जो है ना वो करेंगे, ये तो इतने दुष्ट हैं कि एक जो है मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो अपनी अनपढ़ गवार पत्नी को जो है ना मुख्यमंत्री बनाता है, और एक आप देखिए कि जो है अपने आप को जो सुशासन मुख्यमंत्री कहता है वो इतना कुशासन वाला है कि 9वीं फेल व्यक्ति को जो है देश का जो है प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाता है जो कि 9वीं फेल है। तो ये तो जो है एन के एन प्रकार कर करके बैठ के साठ गांठ करके ये सत्ता में स्थापित होना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनमें ऐसा क्या है, ये हमारी सत्ता में ये क्यों बैठे हैं? इसलिए क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऐसी पावरफुल व्यवस्था को लेके आया है कि जिसमें कि आपको 5 पैसे बिना खर्च किए आप जो है अपने ही खुद को जोड़कर, अपने पत्नी को जोड़कर, अपने बच्चों को जोड़कर, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़कर, मित्रों को जोड़कर, रिश्तेदारों को जोड़कर और अपने विभिन्न सर्कल, अपने ढेर सारे जो सर्कल्स होते हैं, जैसे आप वकील हैं तो वकीलों का एक सर्कल होगा, कहीं पे आप लॉ पढ़े होंगे तो उसका भी एक सर्कल होगा, बनियों का एक सर्कल हो सकता है, व्यापारी मंडल का सर्कल हो सकता है आजकल, तो जितने भी आपके सर्कल्स हैं उनके लोगों को जोड़ें और उन विद्वानों से थोड़ी दूरी रखें जो कि अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ये वो विद्वान हैं कि आपका इतिहास बदल गया, इन दुष्टों ने आपको नहीं बताया कि आपका इतिहास बदल दिया गया है। ये वो विद्वान हैं कि संविधान में एक आर्टिकल 35A सिर्फ प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से जारी हो गया है, जबकि संविधान ने ऐसी कोई शक्ति प्रेसिडेंट को दी ही नहीं है। आप वकील हैं, मुझे बताइए क्या देश के प्रेसिडेंट को ये ताकत है कि वो अपने सिर्फ नोटिफिकेशन से एक आर्टिकल संविधान में डाल दे? नहीं नहीं है। तो फिर आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट गए, बिना संविधान के संशोधन के कैसे अवतरित हो गया? और जो इतने सारे विद्वान कहते हैं जो कि चार चार आर्टिकल से प्रोटेक्टेड हैं, 197 से प्रोटेक्टेड हैं, इनमें से किसी ने आपको बताया कि नो, किसी ने कहा नेहरू से कि तुम्हारी कार्रवाई गलत है या संवैधानिक है? आपको मालूम है इसमें जो है 2014 में कोर्ट में भी पिटीशन लगाई गई थी कि जो 35A है ये असंवैधानिक है। तो 14 से लेके 19 तक 5 साल सुप्रीम कोर्ट सोती रही। आपको नहीं लगता है कि दूध पीता बच्चा भी जो है ना विद इन एन आवर ये घोषित कर सकता था कि ये असंवैधानिक है? बड़े दिमाग की जरूरत है क्या इसमें? नहीं, आप मुझे बताइए, हैं नहीं ये दिमाग, इसमें कोई दिमाग चाहिए क्या? नहीं, नहीं चाहिए। फिर जब 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे रिपील किया तो उन्होंने देश को बताया क्या कि ये असंवैधानिक तरीके से अवतरित हुआ था? नहीं, किसी की जानकारी नहीं है इसमें कि हम नहीं। तो आप बताइए ना, आर्टिकल 35A जो है बिना संविधान में गए कैसे जो है ना संविधान का हिस्सा बना और उसे दृढ़ता पूर्वक जो है कहीं रूल लिखने की कोशिश की गई, सभी किताबों में छापा नहीं गया, लोगों को उससे छिपाया गया ये बात कि एक आर्टिकल दुष्टता पूर्वक जो है वो अवतरित हो गया है। और आपको मालूम है इसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने एक पत्र लिखा था नेहरू को के साथ जो है ये जो आपने नोटिफिकेशन भेजा है इन 8 कारणों से ऐसे ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता है, जिसके जवाब में नेहरू ने कहा कि हम लोग बैठ के औपचारिक बात कर लेंगे, आप इसे जारी करें। घर की खेती है, मैं पूछ रहा हूँ, घर की खेती है। गलती है तो नेताओं की,
नहीं बच्चे उनका क्या करें। नहीं 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 अब सवाल ही उठता है कि ये छद्म चरित्र के राजनेता जो इतने धूर्त हो गए हैं, झूठ बोलना, मूक करना, देश को जो है ना बांटना, देश का पैसा जो है ना स्विस बैंक में रखना, ये तो देशद्रोही लोग हैं। अब इनको जो है ना पराजित करने का जो मॉडल क्राइम फ्री भारत ने बनाया है, उसे आपने कुछ समझने की कोशिश की है क्या? जी, नहीं की है, नहीं की है मैंने किया है, समझा तो उसको। क्या समझा आपको उसमें? उसमें कोई लोचा दिख रहा है क्या? नहीं, कोई रोचा नहीं दिख रहा है। अच्छा आप बताओ, वो कठिन काम है क्या? नहीं, कठिन काम भी नहीं है। जैसे अज्यूम करिए कि यदि हम जो है, पहले हम एक तरीके से समझाते थे, अब हम उल्टे तरीके से भी समझाते हैं। तो पहले सीधे तरीके से समझाते हैं कि आज जो है मैंने यात्रा चालू की और 9 दिन में मैं 10-10 लोगों को जोड़ूंगा तो 90 लोगों को जोड़ूंगा, ठीक है ना? जिनको हम नौ और व्यक्तियों को जो आज जोड़ेंगे तो हम शाम तक 10 हो जाएंगे। ये 9 लोगों अगले दिन से 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ेंगे। कितने लोगों को जोड़ेंगे? 80 को। और हम नौ कितने हो जाएंगे? 10, राइट? ये 10 लोग 10-10 को जोड़ेंगे, राइट? तो जो ये जो नए 90 लोग होंगे, ये 90 लोग जो है आने वाले 7 दिन में 70 लोगों को जोड़ेंगे। कितने लोगों को? 90 लोग मात्र 70 लोगों को जोड़ेंगे, राइट? और हमारी संख्या 1,000 हो जाएगी, राइट? तो 1,000 में से जो 100 व्यक्ति तो पहले के हो गए, तो जो 900 व्यक्ति हैं, ये अगले 6 दिन में मात्र 60 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को? 60 900 व्यक्तियों लोगों को, को जोड़ना। 900 व्यक्तियों को, केवल 900 व्यक्तियों को 60 व्यक्तियों को जोड़ना है, राइट? तो मैथिली संगत को 90 को जोड़ना था और अभी हम 900 लोगों को जो है ना मात्र 60 लोगों को जोड़ना है, राइट? फिर जो है 9,000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है, फिर 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, फिर 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, राइट? जी 9 लाख लोगों जी को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है और 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है और 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, 0 लोग को जोड़ना है। 90 करोड़ लोगों को केवल 0 लोगों को जोड़ना है, खुद जुड़ जाना पर्याप्त है। कितना आसान है? आसान है कि जी नहीं है? यदि नहीं, बहुत आसान है। टाइम यदि कितना यदि हम लगेगा? 8वां और 9वें दिन को जोड़ दें तो 9 करोड़ लोग जो है जुड़ रहे हैं, 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं 9वें दिन में, और 8वें और 9वें दिन के मिला के 99 करोड़ हुए, तो 99 करोड़ लोग 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, तो इसका एवरेज हुआ 0.9। इसका मतलब है कि 99 करोड़ लोग में से यदि महिला है तो अपने पति को जोड़ ले और यदि पुरुष है तो अपनी पत्नी को जोड़ ले, इतने मात्र से ही जो है हम जो है हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो क्या अपने पति या पत्नी को जोड़ना कठिन काम है? नहीं, कोई कठिन काम नहीं है। और बदले में क्या मिल रहा है? अच्छा ये बताइए, आप जो जोड़ रहे हैं इसमें इसी के आधार पर चंद्रगुप्त बन रहे हैं, राइट? तो अज्यूम करिए कि आपने अपनी पत्नी को जोड़ा तो आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे और जैसे ही आप 100 से ऊपर गए तो आप जो है मोहल्ला अधिकारी हो गए। तो आपने पत्नी को अकेला जोड़ा तो आप महिला अधिकारी हो गए, राइट? अब आपने 3 लोगों को जोड़ा तो आप ब्लॉक अधिकारी हो गए। तो यदि आपके 2 बच्चे हैं या माता पिता जो भी हैं, कोई भी हैं, 3 लोगों को जोड़ा तो जो है आप ब्लॉक ऑफिसर हो गए, सॉरी टाउन ऑफिसर हो गए। यदि आपने 5 लोगों को जोड़ लिया तो आप ब्लॉक ऑफिसर हो गए। आपने 10 लोगों को जोड़ा तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो गए हैं, राइट? यदि आपने जो है 50 लोगों को जोड़ लिया तो आप राज्य के अधिकारी हो गए हैं। यदि आपने 100 लोगों को जोड़ लिया तो आप राष्ट्रीय अधिकारी हो गए हैं। और 100 से जैसे ही आपने ज्यादा लोगों को जोड़ना चालू किया तो फिर आप राज चंद्रगुप्त की यात्रा में पहुंच रहे हैं अब आप, राइट? तो ये अब जैसे आपके अभी कितने प्रतिष्ठा पॉइंट है नीरज? मैं रुकी बता रहा हूँ आपको, तो तुम पद आपको पद कौन सा मिला है उससे मालूम पड़ जाएगा। मेरे प्रतिष्ठा पॉइंट है। एक हजार के तो ऊपर है मेरे ख्याल से। हाँ,
आप डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर हैं? 913 प्रतिष्ठा पॉइंट है। अच्छा, 913 है, तो इसका मतलब है इस समय आप ब्लॉक ऑफिसर, स्पेशल ब्लॉक ऑफिसर हैं, राइट? जी, ब्लॉक जैसे ही आप हजार, स्पेशल जैसे ही ऑफिसर। आप 1000 को क्रॉस करेंगे तो आप जो है ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो जाएंगे, राइट? जैसे ही 1000 का मतलब है कि आपने 10 लोगों को जोड़ा है, अभी आपने 9 लोगों को ही जोड़ा है या 9 से कम को जोड़ा है, ठीक है ना? तो जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो जाएंगे। अच्छा, ये आप इस, अभी तक आपने देखो मोहल्ला अधिकारी, टाउन अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी, आप तीसरे लेवल पे पहुंच गए हैं। आपने किसी के सामने हाथ फैलाया क्या? नहीं, तो बिना फैलाए आप जो है ना बन गए हैं। जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ देंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाएंगे, क्योंकि आपके मार्क्स जो है वो 1000 के प्रतिष्ठा पॉइंट 1000 के ऊपर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे आप स्टेट अधिकारी बन जाएंगे, जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे, और जैसे आपको ये सब पद मिल रहे हैं ऐसे ही जो चंद्रगुप्त होंगे क्षेत्र के, जिनमें सबसे ज्यादा जिनके प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, उन्हें बिना मांगे विधायक व सांसद का टिकट मिल जाएगा। आज क्या ये संभव है? आज जो आपके जो ना जो नेता, हमारे भी नेता बन गए हैं, कुछ मंत्री मंत्री भी बन गए हैं, इन मंत्रियों की क्या कोई औकात है? क्या ये नहीं देश का भला कर सकते हैं? क्या ये जो अंग्रेजों के नहीं थोपे हुए कानून नियम है इनको बदलने की औकात हमारे इन लोगों की है क्या? नहीं कोई औकात नहीं, जब तक जान हम लोग जागरूक नहीं होंगे कोई मदद नहीं करेंगे। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम इनसे क्यों कराएं, हम खुद चंद्रगुप्त बनके, और जो है ना फिर बिना पैसे के जो है ना टिकट अपने आप मिलेगा, जैसे अभी ये पद मिल रहे हैं ऐसे टिकट मिल जाएगा, और फिर बिना चुनाव प्रचार के सब जो सदस्यगण अपने चंद्रगुप्त के फेवर में जो है वो शंखनाद करेंगे, थाली बजाएंगे और रोज जो है ना संकल्प लेंगे, तो ये संकल्पित लोग जो है आज के छदम चरित्र के, आपराधिक रिकॉर्ड के, कम सोच के, इन राजनेताओं को हम आसानी से हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे? नहीं, बहुत आसानी से हरा पाएंगे अगर संगठित हो गए तब। नहीं, संगठित छोड़ दीजिए आप, तो आपको तो जो है ना अपने लोगों को जोड़ना है, फिर उनका जो है उनकी समस्याएं खत्म होने लग जाएंगी, हम अपने जो है ना चुने हुए नेताओं को फोर्स कर पाएंगे, और यदि वो नहीं मानेंगे तो हम उनको जो है ना हरा देंगे। अब रही बात के साथ जो है इनमें से ढेर सारे लोग पैसे वैसे से बिक जाते हैं, तो हमारा अपने जो है सदस्यों से कहना है कि ये आपका ही पैसा है, तो जब आप अब इस बार वो आए आपको देने के लिए तो आप उनसे बार्गेन करेंगे। वो साड़ी बांट रहे हैं तो कहेंगे कम से कम 6 साड़ी तो दो, यदि वो दारू की बोतल बांट रहे हैं तो कहो 1 क्रेट तो दो, राइट? यदि वो पैसा बांट रहे जी हैं तो कहो जो है ना 1-2 हजार नहीं चलेगा, कम से कम 20 हजार तो दो, क्यों? ये पैसा आपका है, राइट? तो पैसा भी लेंगे और वोट देंगे अपने चंद्रगुप्त को, और इन जो है ना बदमाशों की, इन राजनेताओं की औकात नहीं है, क्योंकि ये अधिकांश अपराधी हैं, तो इनके दिन लद गए हैं, अब ये जेल में सड़ेंगे, जी राइट? तो इनसे डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम पूरे 543, दो व्यक्ति तो इन्होंने एंग्लो इंडियंस, दुष्ट लोगों ने, हमें समझ में नहीं आता कि एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन क्यों पार्लियामेंट में होना चाहिए, जो अंग्रेजों की इन अवैध सल्ताने जो है, वाई दे शुड सिट इन पार्लियामेंट, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन जब तक आर्टिकल 333 को हम अमेंड नहीं कर देते हैं तब तक तो दो वो बने ही रहेंगे, और हम 543 सीटों पर विजयी होकर फिर नियम कानून और व्यवस्था आसानी से बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे? यदि राज्यसभा में जो है जब तक बहुमत नहीं होता है तो सभी राज्य सरकारें जो है वो ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं, राइट? वो जो संविधान में के शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 के तहत जो जिम्मेवारियां दी गई हैं, 99% सरकारें उसका निर्वहन नहीं कर रही हैं, और आर्टिकल 356 में ये व्यवस्था दी गई है कि यदि कंस्टिट्यूशनल मशीनरी के अनुसार सरकारें नहीं चल रही हैं तो उन्हें डिसमिस किया जा सकता है। आने वाले समय में अधिकांश सरकारें डिसमिस की जाएंगी, या तो वो संविधान की व्यवस्था के हिसाब से ठीक ढंग से अपने आप को चलाएं, नहीं तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ट्रैक बहुत रिकॉर्ड हो बहुत जाएगा। बहुत जल्दी जो है क्राइम फ्री भारत फिर राज्यों में भी सरकारों का गठन करेगा, और हमारे जो है ना ये चंद्रगुप्त जो है वो विधायक बन के मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। आज बताइए, आज की व्यवस्था में आपको ये पार्षद का टिकट नहीं देंगे, और जिनको जिन को मंत्री का टिकट भी दे रहे हैं वो भर भर के पैसा दे रहे हैं, भर भर के पैसा खर्च कर रहे हैं, और उनका औकात नहीं है कि वो कोई परिवर्तन ले आए। हम चलो इनकी बात भी करते हैं, जो ढेर सारे 4-5 जो है ना आपके मंत्री
बन गए हैं उत्तर प्रदेश में, आप मुझे बताइए उनमें से किसी की औकात है कि जो अंग्रेजों के नियम कानून है उनको बदल दे? नहीं, कोई नहीं बदलेगा, चाहेगा भी नहीं, नहीं बदलना। औकात ही नहीं है, वो तो ऐसा मत भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनकी ये औकात नहीं है कि मुंह से निकालने के मैं इनको नियम कानूनों को बदलूंगा, ये बदले ना बदले लेकिन कम से कम मुंह से कहने की औकात भी नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? जी, नहीं है उनकी औकात, नहीं कोई औकात नहीं है। तो उनके रहने ना रहने से क्या फायदा है, देश को क्या फायदा है? तो फिर हम जो है क्यों ना जो है अपने लोगों को चंद्रगुप्त बनाए, और उनका काम भी रहेगा, बाकी काम तो चाणक्य करेगा, बाकी काम तो जो है ना नियम कानूनों के ड्राफ्ट ड्राफ्ट रेडी होके डिबेट होके उनका काम तो रहेगा कि पार्लियामेंट में उन्हें पास करो, ठीक है ना। जी, और बहुत सारे काम तो जो है वो शुरू में ऑर्डिनेंस के जरिए करना होगा, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता राज्यसभाओं में बैठे होंगे, ये आसानी से किसी एक्ट को तो पास होने नहीं देंगे, होने देंगे? तो नहीं होने देंगे इतनी आसानी से। फिर उसके लिए तरीका क्या है कि अध्यादेश जारी करो और इनके आपराधिक चरित्र में इनको जेल भेजो, सरकारें ठीक ढंग से काम नहीं कर रही उन्हें 356 के तहत डिसमिस करो। देश में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ मुझे। नहीं आएगा। तो फिर जब ये देश में बदलाव आ सकता है और अपने आप को आप चंद्रगुप्त बना सकते हैं, तो फिर आप बताइए आप 911 पे क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके 90 वो क्यों नहीं है, 9,000 और 10,000 क्यों नहीं है, सो दैट यू कैन बिकम द राज अधिकारी और आगे से जो है आप और मेहनत करके और अपने लोगों को जोड़ के वो कर सकते हैं, और आप चंद्रगुप्त बनेंगे तो आगे चल के आपको बिना मांगे विधायक सांसद का टिकट भी मिलेगा और बिना चुनाव प्रचार बिना खर्च, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन का ये मानना है कि वो कोई खर्च नहीं करेंगे, तो क्राइम फ्री भारत के जो मिशन जिन लोगों को जो है टिकट देगा वो उन लोगों का कोई रैली पब्लिक रैली नहीं होगी, कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा, उनका चुनाव प्रचार भारत के वो 100 करोड़ लोग अपने छत पर थाली बजाकर दीपक बजा के रोज करेंगे। अब ऐसे संकल्पित जो है लोगों के द्वारा इनके संकल्प से जब ये नए राजनेता जो है ना जीतेंगे या हारेंगे, तब तो हम लोग जीतेंगे, वो हारेंगे राजनेता। तो फिर आप नियम कानून और वो सब चीजें बदल देंगे, जो 21 जो है लक्ष्य आपने अपने लिए रखे हैं वो बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? नहीं, जरूर बदल जाएंगे, क्योंकि हम तो समाज को बदलने के लिए आ रहे हैं। तो फिर जो है इतना ढीलापन क्यों? वही तो हम तो बताना चाहते हैं कि इस मतलब यहाँ पर स्वार्थ है, स्वार्थी इतने लोग भयंकर बने हैं, तो स्वार्थी ये लोगों को करना अपन ही। ने कहा है कि जो विद्वान हैं स्वार्थी हैं खुदगर्ज हैं उन्हें पत्थर मारो और जोर से लात मारो, क्योंकि वो तो उसके बारे में कबीरदास जी पहले ही कह के गए हैं कि लाली मेरे लाल जी जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब 100 करोड़ लोग जो है ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो उनकी लालिमा में यह है स्वार्थी खुदगर्ज विद्वान लोग साष्टांग होके आपसे जुड़ेंगे, ऊर्जाकृत होंगे और कुछ लाभ की लालसा भी रखेंगे। क्योंकि जो नेता लोग फायदा उठा रहे हैं, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं नहीं कि लेकिन यहाँ अब जनता स्वार्थ। इस मॉडल में नेता लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे। अच्छा आपके जेब से 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं, हमारा तो नहीं हो रहा, बट हमने कहा कि जुड़ने का, जो हमारे साथ लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, आप जो है आप क्योंकि नहीं आप ठीक ढंग से प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए तरीका ये है कि आप जो है जो 16 बाह्य विधाएं हैं 5 अंतः विधाएं हैं उनके पास जाइए और उनको जो है ऊर्जाकृत करिए, और ऊर्जाकृत करने में यदि आपकी भाषा काम नहीं आ रही है तो क्राइम फ्री भारत मिशन में हमारे 1800 वीडियो हैं, तो संकल्प के दौरान उनसे कहिए कि साहब इनमें से रोज एक वीडियो सुनना है जिससे आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन हो, राइट। फिर जो दूसरा काम क्या करना है आपको, और बहुत भीड़ इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, 2 से लेकर 10 के बीच में, राइट, उनको जो उनसे बातचीत करो, उनको जो है ना एक दो वीडियो सुनाओ, उन पर चर्चा करो, और इसके बाद उनसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराओ, उनसे ये भी संकल्प लो कि हम हर दिन कम से कम एक वीडियो देखेंगे और अपनी ऊर्जा के लेवल को मेंटेन करेंगे। इसके बाद उनको जो है आप अपनी प्रोफाइल आईडी जो ऐप में नीचे की तरफ दाहिनी तरफ प्रोफाइल आईडी है उसको कॉपी करके SMS से व्हाट्सएप से टेलीग्राम से जिससे भी भेजना है उससे भेज दीजिए, उनसे डाउनलोड कराइए वो, और उनको जो है ना संकल्प दिलाइए, तो राष्ट्रीय ध्वज के सामने संकल्प लें कि मैं अपने आप को चंद्रगुप्त घोषित करता हूं
मैं जो है भारत को अपराध मुक्त बनाऊं, पहले तो ये कह सकते हैं कि मैं जो है ना देश को जो है अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून से मुक्ति दिलाऊंगा और नए नियम कानून बनाऊंगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बदलाव लाऊंगा, उन्हें उनके जो है ना नियम कानून बदल के उनको अकाउंटेबल बनाएगा, वो निरंकुश बादशाह नहीं होंगे, वो है अपने लिए लिए गए निर्णयों के लिए जिम्मेवार होंगे, यदि वो गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें क्षतिपूर्ति भी देना होगी। आज तो किसी को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है क्या? कोई यदि गलत निर्णय ले रहा है तो उसको क्षति लगेगी क्या? नहीं, नहीं लग रही है, तो उसको बदलेंगे, फिर 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत लाएंगे, फिर जो है साइबर क्राइम फ्री भारत लाएंगे, हम इस देश को टैक्स फ्री करेंगे और पेपर करेंसी मुक्त भी करेंगे। तो पेपर करेंसी मुक्त हो जाएगा तो हर चीज डिजिटली जो है ना ट्रांजेक्ट होगी, जब डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा तो आप मुझे बताइए क्या किसी तरीके का भ्रष्टाचार करना संभव होगा? और भ्रष्टाचार करेगा तो विद इन नो टाइम जो है बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, 15 दिन से कम समय के अंदर में उसका चालान पेश हो जाएगा और 30 दिन में जो है ना वो जेल में सड़ने के लिए विवश हो जाएगा। तो ये विद्वान लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, ये इतने विद्वान तो हैं कि जेल में सड़ने के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं, तो ये भ्रष्टाचार करेंगे क्या? नहीं, साफ सुथरे हो जाएंगे, सही काम करेंगे, जनता हित के लिए तो बिल्कुल फिर सही काम यदि करेंगे। हमारी एकें साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं, यदि हम क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के यदि हमारे सभी लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम उनको ऊर्जाकृत नहीं कर पा रहे हैं। तो ऊर्जाकृत करने के लिए 16 बाह्य विधाएं रखी गई हैं, राइट? पहली बाह्य विधा है कि हम हर कॉलेज हर स्कूल में जाएंगे और उनको उन पे जो है ना प्राध्यापक और प्राचार्यों को जोड़ेंगे, उनके जो है हर सेक्शन का, पूरा कॉलेज का एक साथ नहीं करेंगे, कॉलेज स्कूल के बाद जो है सेक्शन का, एक सेक्शन का जो है 30 मिनट 40 मिनट का सेशन होगा, जिसमें एक आध वीडियो देखा जाएगा, इसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी, फिर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराया जाएगा, फिर जो है उनसे शपथ ली जाएगी कि वो शपथ लें, संकल्प लें, तो वो चंद्रगुप्त का संकल्प लें, वो कराया जाएगा। और इस तरीके से हम युवा और विद्यार्थी जो आज उनका जो ना पूरा जो है भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है, आज उनके अंदर जो बेरोजगारी और जो दूसरी चीजें हैं, और वो उनको फ्रीबी की लत लग गई है, वो कामचोर हो गए हैं, उनका व्यवहार खराब हो गया है, ये सब बदल जाएगा। भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं रहेगा, ये मैथिली शरण गुप्त का जो है इस देश के साथ संकल्प भी है और प्रॉमिस भी है। क्योंकि जी, क्यों क्योंकि आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि हमारी सही समृद्धि सोना चांदी नहीं है, सोना चांदी सिर्फ आभूषण है जो पहना जाता है, राइट? सोना चांदी जो है ना खा नहीं सकते हैं आप, खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। तो सोना चांदी और जो है कोहनूर हीरा जो यहाँ की एलिजाबेथ को जो क्वीन के जो है ना मुकुट में इन लोगों ने लगा के रखा था, वो चोरी तो किया जा सकता है लेकिन देश की समृद्धि चोरी नहीं हो सकती है। तो आपको नीरज मालूम है कि देश की समृद्धि किस चीज में है? देश देश की की समृद्धि समृद्धि किस चीज में तो है? जब हम सुरक्षित होंगे, हमारा किसान सुरक्षित होगा, हमारा नहीं रोजगार नहीं होगा नहीं हमारे नहीं पास नहीं में, नहीं 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 ये फिलोसफी वाली बात रोजगार नहीं करना, मिलेगा। ये नहीं नहीं ये फिलोसफी वाली बात नहीं करना है। देश की समृद्धि जो है सूर्य भगवान की रोशनी में है, उसी से जो है ना फोटोसिंथेसिस होकर आपके फल सब्जियां औषधियां क्रॉप सब पैदा हो रही है, राइट? तो पहली समृद्धि आ रही है सूर्य की रोशनी से, दूसरी समृद्धि आ रही है आपकी सॉइल से, मिट्टी से। हमारे इन दुष्टों ने आपको मूर्ख बनाकर, ये जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जो अपने आप को इनको विद्वान और साइंटिस्ट कहते हैं, ये निरे मूर्ख लोग हैं, ये जो है विदेशी लोगों और विदेशी कंपनियों के जाल में फंसे हुए लोग हैं। इनको जो है ये विदेशी कंपनियां अपनी तरफ से जो है ना सेमिनार ऑर्गेनाइज कराती हैं और अपने लाभ की चीजें इन्हें पढ़ा लिखा के यहाँ भेजती हैं, इनसे कहते हैं आप पेपर लिखो, उसे इंटरनेशनल जर्नल पे छापती हैं, आपको अवार्ड दे देंगी, और इस सब के बदले में गलत चीजें आपके ऊपर थोप दी जाती हैं। तो चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, आज हमारे अन्नदाता जो है वो किसान अन्नदाता की बजाय बीमारी दाता बन गए हैं, उन्हें लज्जा नहीं आती है कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के साथ साथ वो हर चीज में हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं।
आज गाय भैंस बकरियों मुर्गियों फलों सब्जियों में हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो कार्सिनजनक है, इससे कैंसर कारित हो रहा है। आपको मालूम है आप 16 करोड़ दूध लीटर दूध जो है ना कंज्यूम पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध जो है कंज्यूम कर रहे हैं। 3/4 ऑफ द मिल्क इज केमिकली प्रोड्यूस्ड, और ये केमिकली प्रोड्यूस्ड मिल्क को यदि लगातार 5 साल तक आप सेवन करेंगे तो 87% लोग जो है दे विल सफर फ्रॉम कैंसर। मैथिली शरण गुप्त की भविष्यवाणी है कि यदि हमने इन दुष्ट नेताओं को पराजित करके मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया तो भारत की 66% आबादी, हर 2 में से 3 में से 2 लोग जो है वो कैंसर में पीड़ित होंगे। तो नीरज ये बताइए, यदि अब आपके परिवार के 2 सदस्य यदि कैंसर से पीड़ित होंगे तो उसे अटेंड करने में तीसरा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? ऐसी बात लग जाएगा। लग जाएगा। तो फिर 99% लोग यदि जो है कैंसर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लड़ेंगे तो आपकी एग्रीकल्चर कैसी होगी, आपका इंडस्ट्री कैसी होगी, आपका सर्विस सेक्टर कैसा होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, फिजिकल स्टेटस क्या होगा, इमोशनल स्टेटस क्या होगा, भारत की स्थिति क्या होगी? ये हम दुष्टता से हमें ये दुष्टता समझ में क्यों नहीं आती है? जी, तो इसमें जो है किसानों को जोड़ना है, और क्राइम फ्री भारत का एग्रो और आयुष मॉडल है वो कह रहा है किसानों की आमदनी हम 5 गुना कर देंगे और मजदूरों की आमदनी 10 गुना कर देंगे। तो हमें मजदूरों को और किसानों को जोड़ना है। तो अभी जो है जो 3 एक्ट बनाने के चक्कर में ऑलरेडी किसान संगठित हो गए हैं, उनसे उनके पास जाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, या वो लोग जो कि इनके एसोसिएशन इनसे जुड़े हुए हैं उनमें से किसी को जो है ना इस काम में लगाया जाए और एक पूरी पैनल बनाई जाए, राइट? नेशनल ऑफिसर, प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, ये फॉर किसान, नेशनल ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ब्लॉक ऑफिसर, टाउन ऑफिसर, विलेज ऑफिसर, मोहल्ला ऑफिसर, फॉर मजदूर, राइट? ऐसे ही फॉर द वरिष्ठ नागरिक। आज वरिष्ठ नागरिक जो है बड़ी बुरी हालत में है, वो इतने ज्ञानी लोग हैं लेकिन उनके ज्ञान का को कोई यूज नहीं हो रहा है। बच्चे जो है ना बाहर दोनों मियां बीवी जो है वो नौकरी कर रहे हैं और वरिष्ठ लोग जो है वो उपेक्षित हो रहे हैं, वो इनके इन पर कारण अपना समय गुजार रहे हैं, गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे हैं? गुजार रहे हैं। तो यदि हम जो है कुछ लोगों को जो वरिष्ठ लोगों में ही जो है कुछ लोगों को जो है ना वो बनाएं और एक पैनल बना के उनसे कहें कि आप जाइए जो ये पार्कों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, वहां बैठिए, उनके साथ सत्संग भी करिए, उनके साथ वेवलेंथ भी बनाइए, ये ऑडियो वीडियो शेयर करिए, उस पर चर्चा करिए और उन्हें जोड़िए, तो हम कितने आसानी से जुड़ पाएंगे। तो हम विद्यार्थियों को और युवाओं को जोड़ें, मातृशक्ति को जोड़ें, मतलब अपनी माँ बहनों को जोड़ा जाए, हम जो है किसानों को जोड़ें, हम मजदूरों को जोड़ें, और हम स्लम एरिया और जो गरीब नारायण हैं जो कि मजदूर और इसकी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं उनको एक अलग से हम गरीब नारायण करें, कहें गरीब नारायण को जोड़ें, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ें, फिर हम अपने विज्ञानिकों को जोड़ें, अपने एडवोकेट्स को जोड़ें, इंजीनियर्स को जोड़ें, FA और साइंटिस्ट को जोड़ें, क्योंकि हम पूरी सभी विधाएं बदल रहे हैं, उनको बड़ा रोल अदा करना है। हम टैक्स फ्री भारत करेंगे तो पैसा जो है ना जो हम कह रहे हैं 10 गुना पैसा कैसे कैसे आएगा, उस पे डिबेट होना चाहिए। हम जो कह रहे हैं कि किसानों के जेब से 5 दमड़ी खर्च नहीं होगी और उसकी ओवरनाइट जो है आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी, तो इस पे चर्चा की जरूरत है जिसमें हम मॉडल समझाएंगे कि हम ऐसे लाएंगे। और भारत में विकास करने के लिए हम शासन के ऊपर कोई व्यय भार नहीं डालेंगे। क्राइम फ्री भारत का अपना मॉडल जो है वो पर्याप्त है। केवल, हाँ 2 मिनट, क्राइम फ्री भारत जो है को केवल नियम कानून और जो वर्तमान व्यवस्था है उसको बदलने की जरूरत है, और ये आज के दुष्ट राजनेता नहीं करेंगे तो हम 21 उद्देश्य हासिल कर पाएंगे। ये तो इतने दुष्ट हैं कि आपको मूर्ख बना रहे हैं, ये तो इतने दुष्ट हैं कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम कानून बना रहे हैं, ये तो असंवैधानिक तरीके से आर्टिकल्स जो है डाल दे रहे हैं। आप ये बताइए जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है जो कि नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी बैसाखी पे कॉलिशन सरकार ने बनाया था, उसने भारतीयों से सेक्शन 4 के तहत न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया।
आपको मालूम है कि आप जो है कोर्ट में, कोर्ट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन योर एप्लीकेशन, बर्सिप्लेसिस एक्ट 1947 जो 1991 बनाया है, तो उसने कहा है कि जो स्थान जिसके लिए, जिस रिलीजन के लिए यूज हो रहा है उसी के लिए यूज होता रहेगा, और राम जन्मभूमि को छोड़कर जितने भी केसेस जो है 1991 और 1947 के बीच के जो पेंडिंग हैं उन्हें इस सिद्धांत के अनुसार निपटा दिया जाए कि 1947 को वह किस प्रयोजन के लिए यूज हो रहा था। तो आप ये बताइए, जो हम ज्ञानवापी मस्जिद की बात करते हैं, 15 अगस्त 1947 को वह मस्जिद के रूप में यूज हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हो रही थी, हाँ, यस और नो? नहीं हो रही थी। हो रही थी। तो इस जो नियम बनाया है वर्सेस प्लेसेस 1991, इसमें आप कौन से चरित्र को खोज रहे हैं? मजिस्ट्रेट किस चीज का सर्वे करा रहे हैं? किस चीज का सर्वे करा रहे हो? उसमें तो डेट दी हुई ना कि इस डेट में इसका क्या उपयोग हो रहा था। जी, हाँ? तो आपके वहां पे शंकर जी बैठे हो, बैठे रहे, उससे क्या फर्क पड़ता जी है? उसमें मंदिर के रूप में तो यूज नहीं हो रही थी ना वो, जो हो रही थी। नहीं हो रही थी वो। और तुम बाहर जो है गौरी वारी है तो उनकी पूजा करते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जब से हो संभाला तब से ही सुनने को आया है। नहीं, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि इसका सरल उपाय है, कोलिशन गवर्नमेंट ने घटिया कानून लाया, उसे रिपील कर दीजिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी क्यों हट पकड़े हुए हैं? हर चीज को हम कोर्ट में क्यों जाएं? ये हाँ, जो हम दुष्ट कांग्रेस ने नियम कानून, कानून बनाए हैं ना, तो हमारे ज्ञानी नरेंद्र मोदी जी उसे रिपील क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी क्या कर सकते हैं, फिर प्रॉब्लम यही तो है। क्यों क्यों नहीं कर सकते हैं? जब कॉलिशन गवर्नमेंट कर सकती है तो आप रिपील क्यों नहीं कर सकते हैं? और आप रिपील नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मुझसे तो कह दो कि हम रिपील करेंगे। उनका यही प्रॉब्लम है कि अगर ने कर दिया तो यहाँ पर दंगे ना हो जाए, तरफा ना हो दंगे जाए, क्यों हो कुछ जाएंगे? ये दंगे चीज न्यूज़पेपर क्यों में हो संभालना, जाएंगे? उनको ग्रहित ना हो जाए। नहीं, कोई दंगे नहीं होंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये दंगे राजनेताओं ने कराते हैं अपने लाभ के लिए। मैं आपको कह रहा हूं, आपके संविधान में आर्टिकल 25 है जो कह रहा है, क्या कह रहा है वो, कि हर व्यक्ति को अपने फेथ और कॉन्शियंस के हिसाब से जो धर्म मानना है उसको मानने के लिए स्वतंत्र है, प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र है कि नहीं है? है तो फिर कोई दूसरे धर्म वाला हमसे कैसे कह सकता है कि बट उनका ये हुआ कि हमने, मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, हम तुम्हारा सिर धड़ जैसे से जुदा कर देंगे और हमें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी, ये शुद्ध बकवास है कि नहीं है? ये है संविधान के आर्टिकल 25 के विरुद्ध है कि नहीं है? जी। यदि हम छोटा 4 सेक्शन का एक कानून बनाते हैं, केवल 4 सेक्शन का, जिसमें लिखा जाए कि जो भी आर्टिकल 25 के विरुद्ध काम करेगा उसका बोल, उसकी सोच, उसकी कार्य, ये तीनों संज्ञेय अपराध होंगे, अजमानती होंगे, 15 साल की सजा होगी और संपत्ति भी जब्त होगी, ये कानून का प्रावधान होगा। एक जितने भी लोग मक्कारी करा रहे हैं इनमें से एक करा पाएगा? कोई नहीं करा पाएगा। तो फिर इतना सरल आसान काम माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है कि वो सिर्फ आगे देखा जाए, उनको पूरी टीम को देखना है, जहाँ मेरा अनुमान है टीम के बिना अरे कुछ यार, तो होता इनको नहीं है, ये सब टीम देखते ही सब। रहेंगे कि जो है ना, सब हम तो देखेंगे, देखते रहेंगे। हमने आपको मौका दिया है, आप नियम कानून क्यों नहीं बदल रहे हैं? अब वही तो इसलिए दिखेगा, हम हम कह लोगों रहे का हैं कि मुद्दा है हम इनके इनके सामने। इनको तो हम मजबूर कर नहीं सकते हैं, तो हम ही जाके बदल दें ना। हाँ, तो ये है कि हम अपने आप को मीट करके, पढ़ के, तैयारी करके उस सिस्टम को बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं, बदल सकते प्रयास हैं, नहीं चलो करना है, बदला। खुद पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के इन दुष्ट राजनेताओं को हरा के फिर हम नियम कानून बदलें, और जो कि तभी इतना बदला आसान है। जाएगा, हाँ? तभी बदल जाएगा जो हम लोग प्रयास करेंगे। जब हम लोगों को ही करना होगा तो फिर तो कर ही देंगे ना। और किसकी यही तो औकात है, है, मतलब कि किस ओबीसी की आप औकात है कि यदि हम एक 4 सेक्शन का एक्ट बना देंगे जिसमें जो भी आर्टिकल 25 के विरुद्ध बात करेगा, सोचेगा, कार्रवाई करेगा, वो संज्ञेय अपराध होगा, जमानत अपराध होगा, 15 साल की जेल होगी और पीछे क्राइम फ्री भारत का इंजन होगा जो बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में चालान हो जाएगा और 30 दिन में सजा हो जाएगी और आपकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी, तो किस किस ओबीसी में औकात है कि गड़बड़ करे?
किसी में नहीं है। किस हिंदू में औकात है कि वो गड़बड़ करे, किस क्रिश्चियन में औकात है? किसी में नहीं है। किसी में नहीं है। तो फिर इतना आसान काम करने, ये तो करेंगे नहीं तो अपन ही करें फिर। करने को इतने सारे रूल है, नेता लोग चाहें तो एक दिन में बदल दें, नहीं तो जनता किसके लिए काम कर जाने। देखो ये नेता यदि देश हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये बदमाश हैं, गद्दार हैं, भ्रष्ट हैं, पैसा इकट्ठा करके स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं, तो इन नेताओं को पराजित करने का, जब मैत्री शरण गुप्त ने क्राइम फ्री भारत मिशन में बिना खर्च के मॉडल निकाल दिया है, अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भिड़ जाइए ना नीरज कुमार जी, आप जो है कोर्ट जाते हैं नहीं, हाँ कोर्ट जाता हूँ। तो कोर्ट के प्रांगण में समय मिले, बाद में समय मिले, दाएं में समय मिले, संगोष्ठी में जाओ, मंदिरों में जाओ, वरिष्ठ नागरिक जहाँ घूमने जा रहे हैं वहां जाओ, उनके उनको जो है ना कन्विंस करके उनकी पैनल बनाओ। हम उनको प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ब्लॉक ऑफिसर वगैरह घोषित कर देंगे, वो बाद में लोगों को जोड़ते रहेंगे। कितना आसान काम है कि 99 करोड़ लोग सिर्फ पति या पत्नी को जोड़ने से हमारा ध्येय पूरा हो जाएगा, कठिन है? नहीं ये कठिन नहीं है, बट मैं जनता की मानसिकता बता रहा हूँ। आप जनता को छोड़ो ना, जनता हम ही और आप तो हैं। यदि हमारी मानसिकता बदल गई तो जनता की मानसिकता भी बदल जाएगी। जब उनको पड़ती है तब उनको याद आता है कि अरे यार छोड़ो, अभी अभी देखिए 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 नीरज, उनके पास कोई ऑप्शन था क्या? मैथिली शरण के पहले किसी दूसरे ने ये ऑप्शन कहा था क्या कि हम इस देश को अपराध मुक्त कर देंगे, हम इस देश को कर मुक्त कर देंगे, हम इस देश को क्राइम फ्री मुक्त कर देंगे, क्राइम फ्री कर देंगे, हम इसको साइबर क्राइम फ्री कर देंगे, हम इसको टैक्स फ्री कर देंगे? किसी ने कहा? नहीं, नहीं कहा। तो फिर आपने ऑप्शन ही नहीं था। अब तो लालू मुलायम ये तरीके के लोग हैं, अबे देखो लालू जी जेल गए तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, आज वो सुशासन मुख्यमंत्री बने फिर रहे हैं। नीतीश कुमार जी वो जो है नौमी फैल को उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। तो इन दुष्ट लोगों का तो सत्ता में बने रहने का धर्म है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन्हें आपका मुख्यमंत्री मंत्री क्यों होना चाहिए? क्यों, तो उनको जनता ही रही है ना। अरे अरे जनता छोड़ो यार, अपने अपने आप को चंद्रगुप्त बनाओ और खुद को जो है विधायक और सांसद का टिकट मिशन आपको देगा और आपको बिना खर्च के जिताएगा, अब आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? वो जो होता रहा है उसको भूल जाइए, अब तो अपन नई बात को करें ना। हाँ नहीं नहीं सही बात है, हम बदलेंगे उसको, हम प्रयास करेंगे, हमारी सटी में आएगी। देखो आप यदि प्रयास अभी आपने इतना किया तो आप ब्लॉक ऑफिसर हैं, आप एक ही व्यक्ति को और जोड़ लेंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाएंगे, आप 40 और व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आप स्टेट ऑफिसर बन जाएंगे। आप किसी के सामने हाथ फैला रहे क्या? नहीं फैला रहे। ऐसे ही आपको टिकट मिल जाएगा, ऐसे ही आप बिना खर्च के जीत जाएंगे, फिर आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? और यदि आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, आप जो मना कर देंगे तो आपसे कम प्रतिष्ठा पॉइंट वाले को टिकट मिल जाएगा। जी जी हाँ बस मैं इस अभी अभी लगाते हैं। हाँ हाँ ओके। तो चलिए नीरज जी एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां। मैं चाहता हूं कि दबंगियत से भिड़े, वो क्या नाम था ब्रजेश गुप्ता, मुझे तो बड़ा दब्बू बेकार आदमी लगा, कैसा वो नेताजी को क्या अच्छा लग रहा था। अरे नेताजी किस लायक के, हम कोई तो पूछ रहे हैं जो हमारे नेताजी बने हुए हैं, चाहे वो गवई जो है ना वैश्य समाज के ही क्यों ना हो, क्या वो नियम कानून बदलने की औकात रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्या वो एक कहने की औकात रखते हैं? बदलों को तो छोड़ दीजिए, मुंह से कहने की, किसी पब्लिक प्लेस पे कहने की औकात रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। तो ऐसे छदम चरित्र के लोगों को अच्छा बुरा का हम क्यों सोचें? क्यों सोचें बताओ ना मुझे, उसके लिए मैं स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं करना है, आप तो मिशन से जुड़ो, लोगों को जोड़ो, बाकी मिशन अपने आप को खुद कर देगा। जैसे आपको ब्लॉक ऑफिसर अभी बना दिया है, आप जो है ना एक व्यक्ति को और जोड़ लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाएंगे, 40 और व्यक्तियों को जोड़ लेंगे तो लीजिए संगोष्ठी, इतने तो आपके मित्र होंगे, कॉलेज होंगे, ये होंगे। और जो विद्वान है जो नहीं जुड़ना चाहता है उसको पत्थर मान के लात मारो, उसको उस पर एनर्जी खर्च मत करो, क्योंकि ये विद्वान लोग जो है इनके लिए 37 करोड़ लोगों का प्रावधान हमने रखा है, और जब 100 करोड़ लुट जाएंगे और चारों तरफ हवा बहेगी तो ये लोग भी दौड़ के जुड़ेंगे। तो अपने काम में लग जाओ, इसमें आपको कोई 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं। आप जिन लोगों से बात करेंगे उनसे आपके संबंध सुधरेंगे या बिगड़ेंगे?
नहीं सुधरेंगे। सुधरेंगे तो अच्छा है, तो आपको फायदा ही फायदा है। बाद में यदि आप चंद्रभूत बन गए, आपके हाईएस्ट पॉइंट हो गए, तो आपको सांसद और विधायक का टिकट मिल जाएगा। आज की व्यवस्था में आपको तो ये काउंसलर का टिकट भी नहीं देंगे, देंगे क्या? तो जब आपके दोनों हाथों में लड्डू है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति सब चीज आपके लिए सोच ले रहा है और आपको बता रहा है, और आप उससे क्वेश्चन पूछ के उसको ये भी नहीं कह रहे कि नहीं साहब ये तो हो नहीं पाएगा, यदि आप बताइए, यदि नहीं हो पाएगा तो मुझे बताइए कि नहीं साहब इसमें ये दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसका। तो मैं ये मानूं कि आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ गया है और आप पूरे कृत संकल्पित होके लग जाएंगे। जी हाँ, चलिए कि तो हमें नीरज बदलना तो, है, हाँ, बस हमें बदलना है आपको कुछ ये नहीं करना टारगेट। है, आपको बस लोगों को संगोष्ठी करना है, जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, और जो नहीं जोड़े उसे जो है वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो उसे पत्थर मार के लात मारो, आगे बढ़ो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। जी, आसान है ना? जी, बदले में आप क्या बन रहे हैं? विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी है कि नहीं? चाय अभी जी, चाय तो खत्म कर लूंगा। हाँ ठीक है, तो बस नीरज एक बार फिर से आपको जो है आई थॉट कि ये जो सब चीज रिकॉर्डेड होती है तो इससे लोगों को एनर्जी मिलेगी, तो मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप तेजी से बढ़ें और अपने लोगों को जोड़ें। पांच जो है अंता विधाएं हैं, आंतरिक विधाएं हैं, जिसमें खुद को जोड़ना है, अपनी पत्नी को जोड़ना है, अपने बच्चों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है, और 16 बाह्य विधाओं के लोगों को जोड़ना है। तो जो जितने भी वीडियो जारी हो रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल दिया गया है, उसको पढ़िए, और हर किसी को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, और संकल्प में उससे ये भी कहलवाइए कि मैं जो है प्रतिदिन एक वीडियो जरूर सुनूंगा जिससे हमारी एनर्जी लेवल मेंटेन हो सके। नहीं सुना तो मैंने भी था, बहुत अच्छा जानकारी मिल रही है, हर लेवल जानकारी, जो बंदा जो काम कर रहा है उसको अपने लिए उस जानकारी मिल सकती है, मिल रही है, और वो चार्ज हो आप जाएगा। उसको जानकारी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एनर्जी लेवल को मेंटेन करना, और हमारा 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और हम अपने ही लोगों से बात कर रहे हैं, और हमारे सर्कल में मिठास बढ़ रही है, तो फिर हमें लग जाना चाहिए, हमें और क्यों सोचना है। जी, और आपने ये हमने आपको समझा ही दिया कि कैसे इन विधायकों की जमानतें जब्त होंगी, तो फिर क्या प्रॉब्लम है इन इन राजनेताओं की? और जब आप सत्ता में होंगे, जब आप नियम कानून बदल देंगे, तो जो आज के राज सत्ता में बैठे लोग हैं ये निहायत ही अपराधी लोग हैं, इनकी जगह जेल में है, ये जेल में सड़ेंगे। जी, बात मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानता हूँ। तो फिर जब कुछ खर्च नहीं हो रहा है और मान भी रहे हो तो फिर भिड़ जाओ, बन जाओ चंद्रगुप्त। चलिए तो आपको मैं आई प्रज्यूम के आप ऊर्जाकृत हो गए हैं। जी, हाँ हो गए। चलिए तो एक बार पुनः आपको पूर्ण। और आपके माध्यम से सभी वैश्य समुदाय के लोगों को, आपके माध्यम से सभी कानपुर वासियों को, सभी उत्तर प्रदेश वासियों को और सभी भारत वासियों को मैं जो है दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और अच्छे भारत का, समृद्ध भारत, अपराध मुक्त भारत, निरोगी भारत, दीर्घायु भारत, विश्व गुरु भारत को हम अपने प्रयास से, अपनी सामर्थ्य से जमीन पर उतार देंगे, वो भी 2-3 साल के अंदर, मतलब 2024 से 3 साल के अंदर अधिकांश चीजें जमीन पर उतर जाएंगी। तो बहुत समय दूर है क्या? नहीं, कोई समय दूर नहीं है। तो फिर बढ़ जाया जाए, ठीक है? जी, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।